नमस्कार। अनादि टीवी की खास साप्ताहिक प्रस्तुति फेस वैल्यू में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज करेंगे बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज 13 साल मुख्यमंत्री रहे हों या फिर 15 महीने के लिए खुद ही जिंदा टाइगर बनकर दहाड़ते रहे, चर्चाओं और सुर्खियों में वो हमेशा बने रहे। और अब जब बीते करीब 8 महीने से वो एक बार फिर मुख्यमंत्री हैं तो चर्चा दर चर्चा और कामयाबी दर कामयाबी उनके हिस्से में आती ही जा रही हैं। राज्य के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जिन 19 सीटों पर कामयाबी मिली, उन सभी जगह शिवराज की मेहनत और करिश्मा दोनों ही साफ महसूस किए जा सकते थे। इस सफलता के बाद जहां शिवराज सरकार स्थायी हो गई, वहीं कुछ स्थायी किस्म के चर्चे भी फिर उनके साथ जुड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि चौहान पर अब संतुलन का बहुत बड़ा जिम्मा आ गया है। उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार या उसमें बदलाव करना है, उन मंत्रियों का पुनर्वास करना है जो उपचुनाव में हार गए। साथ ही बीजेपी के उस तबके के व्यवस्थापन का जिम्मा भी शिवराज के कंधे पर है जो उपचुनाव में अपनी तरफ से किए गए तमाम समर्पण यानी सैक्रीफाइसेस की अब कीमत चाहता है। इस सब के लिए संसाधन सीमित हैं। मंत्रिमंडल में स्थान देना और निगम मंडल में बड़ा ओहदा इसके मुख्य जरिए हो सकते हैं। साथ ही पार्टी के प्रदेश संगठन में कुछ लोगों को भेजे जाने का विकल्प भी शिवराज के पास मौजूद है। लेकिन इस सबके लिए उम्मीदवारों की जितनी बड़ी फौज जमा है उनमें से सबको खुश करना तो दूर, संतुष्ट कर पाना तक मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि शिवराज पहले भी ऐसे हालात से बड़े खूबी और किस्मत के साथ सफलतापूर्वक बाहर निकल आए हैं, इसलिए इस बार भी माना जा रहा है कि वह इन चुनौतियों पर आसानी से पार पा लेंगे। इसी पर पेश है हमारी ये आज की खास प्रस्तुति। तकदीर हो या तदबीर, शिवराज सिंह दोनों के ही धनी कहे जा सकते हैं। भाजपा के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर चौथी बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाना कोई सामान्य बात नहीं है, वो भी तब जब इस सब के पीछे चुनौतियां और दुश्वारियों की कभी भी कमी ना रही हो। बेशक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर रिकॉर्ड पारी वाले नाम के तौर पर चर्चित हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर दोनों के ही ये मामले किसी बड़ी मुश्किल से मिली सफलता वाले नहीं रहे। जबकि शिवराज ने इस मामले में बहुत अधिक हद तक खिलाफ हालात को पार किया है। पहले तो उन्होंने उमा भारती और उनके समर्थक विधायकों के भारी विरोध के बीच मुख्यमंत्री का पद संभाला, फिर एंटी इनकम्बेंसी के लगातार बढ़ते असर के बावजूद लगातार 3 बार सरकार बनाने में सफल रहे। एक फैक्टर गौरतलब है, शिवराज चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों में और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। 13 साल के कार्यकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी की मजबूत दीवार उनके सामने थी, इसका असर भी हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन बावजूद इस सब के शिवराज फैक्टर का ऐसा असर रहा कि कांग्रेस अपने लिए तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद बहुमत तक नहीं पहुँच सकी। इस हार के बाद शिवराज की स्थिति कुछ कमजोर दिखी, लेकिन किस्मत कनेक्शन ने उन्हें एक बार फिर खुद को साबित करने का मौका दे दिया। शिवराज इसके बाद भी न चुप बैठे और न ही लगातार चले लंबे कार्यकाल की थकान उतारने की मुद्रा में नजर आए। प्रदेश के गली कूचों तक वो टाइगर की तरह दहाड़ते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि चौहान की सक्रियता ने लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया। सन 2018 के दिसंबर से लेकर 2020 के मार्च तक सोशल मीडिया की हलचल देख लीजिए। बड़ी संख्या में यूजर्स इस बात पर अफसोस जताते नजर आए कि शिवराज की सरकार क्यों चौथे कार्यकाल में नहीं पहुंच सकी, और हालात जब एक बार फिर शिवराज के पक्ष में गए तो भी आगे का रास्ता आसान नहीं था। कोरोना के भयावह संक्रमण के बीच शिवराज ने चौथी पारी शुरू की। सत्ता में ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमाकेदार एंट्री के चलते मंत्रिमंडल में एडजस्टमेंट के लिए भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस सब के बीच 28 सीटों में से अधिक जीतने का भी उन पर जुनून सवार था।
उपचुनाव में 28 में से 19 सीटों पर फतह हासिल कर उन्होंने दिखा दिया कि मामा का जादू अभी ढला नहीं है। अब जबकि सारी कवायद खत्म हो चुकी है, शिवराज एंटी माफिया मुहिम और लव जिहाद को लेकर आगे चल पड़े हैं। ये सक्रियता और जज्बा उन्हें मशहूर करने का बहुत बड़ा कारण भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय किया है, कई कामयाबियां उनके हिस्से में आई हैं। उस सारे को किसी एक मौके पर किसी एक चीज़ के ज़रिए स्थापित कर पाना, बता पाना पूरी तरह मुमकिन नहीं है, लेकिन उनकी ये जो सफल यात्रा रही है उसे लेकर वाकई कई मरतबा ये लगता है कि जैसा हमने कहा, तदबीर और तकदीर दोनों के धनी इस तरीके के सहयोग मिल पाना बहुत मुश्किल है। शिवराज वाकई उन बिरले लोगों में से हमारे सामने आए हैं जिन्होंने तकदीर और तदबीर दोनों के दम पर अपनी कामयाबी का रास्ता तय किया है। तो चलिए सुनते हैं शिवराज के समर्थक और राज्य का मुख्य विपक्षी, पहले राज्य के शिवराज के समर्थक और उसके बाद राज्य का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या सोचता है। भाई साहब, शिवराज जी के सामने एक बार फिर चुनौतियां, आपकी सरकार को स्थायित्व तो मिल गया है लेकिन चाहे संगठन में एडजस्ट करने की बात हो या मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, तो क्या लग रहा है आपको, अब शिवराज जी ये तमाम चुनौतियों को आसानी से पार पा जाएंगे? देख, शिवराज जी मूलतः संगठन के कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी हम लगातार देखते हैं उनमें कार्यकर्ता का जो भाव वो कभी जाता नहीं है। निश्चित तौर पर वो हमारे नेता हैं और संगठन का लंबा अनुभव उनको है, इस दृष्टि से वो कोई चुनौती, मैं मानता हूँ, शिवराज जी के साथ नहीं है, बीडी शर्मा जी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में काम करता है और संगठन ये तय करता है किन लोगों को सत्ता में काम करना है और किन लोगों को संगठन में काम करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामने कभी इस प्रकार का कोई संकट नहीं रहा और इसलिए सभी कार्यकर्ता, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो, सब तालमेल बिठा करके हम लोग काम करते हैं। इसलिए कोई चुनौती शिवराज जी के सामने नहीं और ना हमारे अध्यक्ष जी के। मामा जी को ये पहले भी समझ में आना चाहिए था कि यार जो है ये अपन तनाव खरीद रहे हैं तो इस तनाव की दवाई भी साथ में खरीदनी पड़ेगी। कमलनाथ जी तो झेल लेते थे, पुचकार लेते थे, मामा तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका सिरदर्द है या अपन वापस से थोड़ी उनका सिरदर्द, अपन कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहना है। अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो जहां हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। प्रभु जी, शिवराज सिंह चौहान के लिए माना ज़रूर जा रहा है कि चुनौतियाँ हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अतीत रहा है, चुनौतियों से और मजबूत होकर बाहर निकले हैं, वो जितनी बड़ी चुनौती उतने बड़े जुनून के साथ उससे जूझे हैं और ज़्यादातर मौक़ों पर मुझे लगता है कि हम इसे अगर 98% के आसपास रख सकते हैं, उन्होंने कामयाबी ही हासिल की है। ऐसे में ये जो स्थितियाँ आप देख रही हैं, मंत्रिमंडल का एडजस्टमेंट या हारे हुए लोगों का एडजस्टमेंट, इन सबसे शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से, मतलब उनके पास ऐसे कौन से आप चीज़ें देखते हैं जो बड़ी आसानी के साथ निकलते जा सकते हैं? देखिए रत्नाकर जी, शिवराज सिंह चौहान जो खुद कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसान पुत्र हैं, और आप ये देखिए कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद खेत में ट्रैक्टर चलाने का मादा रखते हैं। खेत जोतना एक बड़ा कठिन काम होता है और यदि वो खेत जोतने में लगे हुए हैं तो वो राजनीति की कोई सी भी बंजर ज़मीन हो उस पर फसल वो बो सकते हैं, इतना तो उनको आता ही है। ये शिवराज सिंह चौहान अपनी काबिलियत का ही प्रदर्शन करते हैं जब वो ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत में बीज डालते हैं, जब फसल की कटाई होती है तब वो जाते हैं, वो मशीन चलाते हैं। तो एक तरीके से वो आदमी जो है नीचे से ऊपर तक आए हैं, कई सीढ़ियों पर वो रहे हैं, कई चरणों पे उनने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को या कहें प्रदेश को जितनी अच्छी तरीके से उनने समझा है, मुझे नहीं लगता प्रदेश का और कोई नेता उतनी गहराई से प्रदेश को जानता। मुख्यमंत्री बनने के पहले यदि शिवराज सिंह चौहान को पांव वाले भैया कहते थे तो क्योंकि वो दौरे करते थे, लोगों से मिलते थे, कहीं भी चौपाल लगा लेना है, उनकी शुरू से राजनीति की शैली रही है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए उन्होंने सीएम हाउस तक में चौपाल लगाना शुरू कर दिया, जनता से फैसले कराते हैं, जनता समस्याएं बताती है, उस उनसे पूछते हैं कि भाई क्या ये इसको सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, अमल में करना चाहिए, उसके बाद उस पर अमल कर देते हैं, योजना बना देते हैं। तो इस तरीके का जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो कि लोगों से पूछ कर उनकी भावना के मुताबिक राजनीति करो, किसी पर थोप नहीं रहे हैं वो अपनी बात को, लोगों की जो ज़रूरत है उसको समझ रहे हैं, उसके हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। वही काम वो संगठन में भी करते हैं, वही काम वो मंत्रिमंडल विस्तार में भी करते हैं, वही काम वो मंत्रियों के विभागों को बांटने में भी करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार जब विभाग वितरण तक का मामला आया उसके लिए 4-6 बैठकें होती रहीं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक सीएम दौड़ते रहे। तो ये करना जो शिवराज सिंह चौहान को है उन्हीं को ही करना है, लेकिन सबकी सहमति बनाने का जो खेल है कि सबको राजी करना, अपनी बात पर मनवाना, कोई व्यक्ति यदि आप रत्नाकर जी मैं कहूँ कि यदि आपको ही कोई जिम्मेदारी देनी है तो उसको लेकर मुझे 4 लोगों से बात करनी पड़ेगी, कंसेंट बनानी पड़ेगी, आपकी अच्छाइयाँ बतानी पड़ेंगी, सामने वाला आपकी कमजोरी बताएगा, मुझे उस कमजोरी की कार्ड बतानी पड़ेगी, इनमें ये गुण है जो इस कमजोरी पर भारी पड़ता है। तो इस तरीके का जो मादा है किसी व्यक्ति की पहचान परख करने का, उसकी अच्छाइयों को समझने का, उसकी उपयोगिता को जानने का, वो तमाम कर्तव्य शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरे प्रदेश को देखा हुआ है। उनने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, एबीवीपी से पके नेता हैं, उनके दौर के नेता ही आज प्रदेश के ज़्यादातर विधायक हैं, उनके दौर के नेता ही मंत्री हैं, उनके दौर के ही नेता केंद्र में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो संस्कारों से पले हुए नेता होने का फायदा उनको मिल रहा है, नहीं तो आप ये देखिए मध्य प्रदेश में अपवाद हैं, वो कई रिकॉर्ड उनने तोड़े, क्योंकि इसके पहले कोई मुख्यमंत्री दूसरा कार्यकाल भाजपा का कर ही नहीं पाता था। लगातार कांग्रेस में भी एक दिग्विजय सिंह ही हैं जिन्हें 10 साल तक शासन किया, इसके पहले कोई कर नहीं पा रहा था। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहना, उसके बाद चुनाव हार गई पार्टी उनकी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, मतलब शिवराज सिंह चौहान यहाँ माइनस नहीं हुए हैं। यदि हम बाकी 2 राज्यों को देखें, छत्तीसगढ़ को और राजस्थान को, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह तो लगातार 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने के बाद ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि वहाँ उम्मीदें भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार की तरफ देख सके वो। राजस्थान में वसुंधरा राजे का कद का कोई नेता नहीं था, उनको देश का बड़ा नेता माना जाता था, एक बड़ा ग्लैमर उनके साथ चलता था, लेकिन वो भी खेत रही। ऐसे मौके पर शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी को तमाम इनकम्बेंसी के बावजूद, इनकम्बेंसी यहाँ पर यह साबित होता है 28 सीटों पर चुनाव जीतने से कि इनकम्बेंसी जो थी 2018 में वो विधायकों के प्रति थी, न कि शिवराज के प्रति थी। शिवराज सिंह के चेहरे पर ही अभी चुनाव लड़ा, सिंधिया जी आए जरूर लेकिन उनको पर्दे के पीछे रखा भाजपा ने, बैकग्राउंड में रखा उनको। शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ी भाजपा और 19 सीटों पर चुनाव जीती कांग्रेस के तमाम दावों के बावजूद। तो ये वो चेहरा है जिसको जनता पसंद करती है, वो चेहरा है जिसको जनता की नब्ज मालूम है, कहाँ क्या बात कहनी है, कहाँ क्या काम करना है, किस तरह के लोगों का उपयोग करना है। तो आप देखिएगा कि ये जो हम चुनौती की बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, शिवराज के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, उनके तो सब उंगलियों पे गिने वाने जाने वाली चीज़ें हैं, उनको जब करना है तब करेंगे। लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान है जो राजनीति में, कहूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जैसी बुद्धि का नेता कम होगा। तो वो अपनी मर्जी से समय को अपने हिसाब से ढाल के, जहाँ से भी विरोध के सुर उठने की जो भी संभावना हो उसको डायल्यूट करके एक स्थिति पर लोगों को लाकर खड़ा कर देंगे कि सब वो कहेंगे जो शिवराज जी करें वही सही है। उस मुकाम पर जाकर वो फिर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे या विभागों का बंटवारा जो नए सिरे से करना है वो काम करेंगे। तो एक तरीके से समय को अपने हिसाब से ढालने का जो मादा है वही उनको यहाँ तक लेकर आया है। यदि उस मादा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते। जी जी मनोज जी, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें व्यक्ति पूजा जैसी वो स्थिति कभी नहीं रही जो हम दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में देखते हैं कई तरीके से। बावजूद इसके एक सवाल यह उठता है, दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस पद से जब उनकी रुखसती हुई, जब कांग्रेस यहाँ से राज्य से सत्ता से बाहर हुई, पूरे 15 साल ये फैक्टर रहा कि कांग्रेस सत्ता में आ नहीं सकी। और उस 15 साल के बाद के जो 8 महीने, जो 15 महीने बीते, फिर जो 8 महीने बीत गए, उसमें भी आज भी फैक्टर है कि यदि दिग्विजय सिंह का शासन का लिहाज दिला दिया जाए तो लोगों के भीतर एक नागवारी, एक नाराज़गी का माहौल दिखता है। इधर शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर बिल्कुल अलग है, 15 साल रहे, एंटी इनकम्बेंसी आई, सरकार से चले गए, और उस दौरान ये फैक्ट है बिल्कुल कि सोशल मीडिया पर लोग इस बात को कहते थे कि इस अच्छे व्यक्ति को कम से कम मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था। ये कैरिज्मेटिक जो फिगर है, ये भाई व्यक्ति पूजा जैसी स्थिति तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो ये कैरिज्मेटिक फिगर आखिर शिवराज सिंह चौहान ने कैसे पा लिया? अगर दिग्विजय सिंह से कंपेयर करें या राज्य के और भी किसी मुख्यमंत्री से कंपेयर करें तो अद्भुत, ये किस तरीके से उन्होंने हासिल किया इस कद को, कैरिज्मेटिक कद को?
देखिए रत्नाकर जी, सांसद रहते या विधायक रहते या उसके पहले युवा मोर्चा में रहते ही शिवराज सिंह चौहान की पहचान थी पाँव पाँव वाले भैया। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने पैदल ही वो सारे क्षेत्र नाप दिए थे जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब ये था कि लोगों के बीच उनकी पहचान थी। जब वो छात्र राजनीति में आए उसके पहले कहा जाता कि गाँव में उन्होंने अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था मजदूरों को लेकर। तो ये जो कनेक्टिविटी जो उन्होंने छात्र जीवन से शुरू की वो उनके काम आई। फिर उनको जो भी चुनौतियाँ मिली, हम जैसे आप जो प्रभु जी ने कहा उसमें दो उदाहरण हो रहे हैं कि पेटलावाद में ब्लास्ट होता 100 के लगभग लोग मारे जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी होती है, वो पहुँचते हैं जनता के बीच धरने पर बैठ जाते हैं, एक भी विरोध की आवाज़ नहीं आती है। हम देखें मंदसौर गोलीकांड के बाद वो लोगों के बीच जाते हैं, बैठते हैं, पूरी नाराजगी दूर कर देते हैं। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन में जब तूफान आता, आंधी तूफान, बारिश के साथ पंडाल गिर जाते हैं, क्षति होती है, वो आधी रात को 22 रोड पहुंचते हैं, वो लोगों को चाय पिलाते हैं, वो चढ़कर तंबू ठीक करने लग जाते हैं। तो ये जो जनता से, जो प्रभु जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो अगर ट्रैक्टर चला रहा है तो वो जनता के बीच में अगर वो तंबू लगा रहा है, चाय पिला रहा है, जनता के बीच वो मादा रखता है कि वो सड़क पर हजारों की पब्लिक, नाराज पब्लिक के बीच वो उनके साथ बैठ जाए बिना किसी सुरक्षा की चिंता के, बिना किसी अपनी चिंता के, तो ये बताता है कि उनका पब्लिक से कनेक्टिंग उनकी कितनी अच्छी है। और पब्लिक में उनकी जो कह सकते हैं कि एक और चीज़ है जो उन्होंने दहरीज के अंदर कदम रखा कि महिलाओं के बीच जो लोकप्रियता है उनकी, तो ये ऐसे एक दिन में नहीं गर्जित की। और इसके साथ ही जो संगठन में उन्होंने काम किया, हम देखें कि सीएम बनने के पहले राघोगढ़ की कठिन लड़ाई में उनको उतारा गया था, चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। ऐसे चुनाव में कि जब बीजेपी को कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे तो चुनाव में कि जो शिवराज जी के लिए झंडा लगा सकें, वोट मांगना तो दूर की बात है, उसी क्षेत्र में उसी मैदान पे 2008 में वो जाते हैं तो हजारों की भीड़ उनका स्वागत करती है। हमने जन आशीर्वाद में ऐसे नज़ारे देखे हैं कि उनके हाथ पूरे छिल जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जनता उनको छूना चाहती थी, उनको पकड़ना चाहती है, उनका स्पर्श करना चाहती है। तो ये चीज़ें वो दिखाती है कि वो पब्लिक के बीच उनकी कनेक्टिविटी क्या है। हम अभी देखिए जब वो चुनाव हारते हैं वो बीजेपी ऑफिस में मुख्यालय में जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, जब तक ये कोई तय नहीं रहता कि मध्य प्रदेश में तख्ता पलट किया जाएगा। लेकिन वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो बेटी बचाओ आंदोलन की बात करते हैं और रोशनपुरा पर वो धरने पर बैठ जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, जनता की बात करते हैं। वो कोयला को लेके जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो कोयला मार्च निकालते हैं प्रदेश की जनता के लिए। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं कि वो जनता के बीच जो कनेक्टिविटी है वो दोनों मोर्चे पर काम करते हैं। आप देखिए कि सोशल सेक्टर की जितनी स्कीम्स मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लाए हैं, जिसकी आज देखिए आप सारे पड़ोसी राज्य देख लिए वो उसकी नकल कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, थोड़ा बहुत हेरफेर कर दिया हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, छात्रों को स्कूटी बांटना हो, छात्रों को लैपटॉप बांटना हो, साइकिल बांटना हो, ड्रेस बांटना हो, ये सारी वो स्कीम्स हैं जिनको आप पड़ोसी राज्य फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे दोनों को मोर्चे पे उन्होंने काम किया, अकेले सोशल सेक्टर नहीं, क्योंकि 2003 की जो आपने बात की दिग्विजय सिंह की, तब वो सड़क बिजली पानी की जो स्थिति थी मध्य प्रदेश में वो आज देखिए। अभी हम ग्वालियर चंबल में आराधी टीम गई, एक मिनट टोकना चाहेंगे आपको, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि आप भी उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। डॉक्टर वाजपेयी स्वागत है आपका। जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी आपसे कुछ बात की शुरुआत करना चाहेंगे। मनोज जी, मुझे लगता है प्रभु जी ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी जी, निश्चित रूप से प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर आपसे बात करेंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, शिवराज सिंह चौहान जी पर बात हो रही है कि एक व्यक्ति जो एक चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव जीत गए और अब उनके सामने जो नई चुनौतियां हैं कि 3 साल सरकार को बेहतर ढंग से चलाना है, सिंधिया कैंप के जो मंत्री हैं उनको बरकरार रखना है, जो चुनाव हार गए उनको एडजस्टमेंट करना है, जो और भी लोग आए हुए थे उनको संभालने के साथ अपने घर को संभालना है, तो ये चुनौतियों से कैसे उभरेंगे शिवराज जी? देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है मनोज जी भी कर रहे थे, और शिवराज जी को आप पसंद करें या जैसा विपक्ष है ना पसंद करें, दोनों के कारण उनकी खासियत ही है। पसंद करने का कारण यह है कि नाउ इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर इन द कंट्री, मतलब हम अमित शाह जी, मोदी जी, इन लोगों को देखते हैं। वहीं साथ साथ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी 15 साल से ऊपर हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन।
और आज से 15-20 साल पहले वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, लगातार संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में बहुत लंबा कार्यकाल निकाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रभु जी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि वॉट काइंड ऑफ अथॉरिटी ही एंजॉयज इन बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में उनकी जो अथॉरिटी है वो अनचैलेंज्ड है, और इसलिए नहीं तो उनका स्नेह है। मुझे तो आज भी ध्यान है, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तब वे अध्यक्ष थे, आपको भी शायद ध्यान होगा उस समय जी जी। और मेरा मानना यह है कि मैं तो बल्कि उल्टा बोलता हूँ कभी कभी कि मैं, यदि आप कहेंगे कि दोनों में से किस कार्यखंड के नंबर ज्यादा है, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के भाजपा के या उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के, तो मैं दो नंबर ज्यादा अध्यक्षीय कार्यकाल के दूंगा। इतने संभाल के वो संगठन को चलाते थे, सबको साथ लेकर चलाते थे। आपकी सभी चुनौतियों को आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, वो हमेशा उसका सांगठनिक सॉल्यूशन देते थे, निजी नहीं देते थे। कई बार ऐसे मौके आए तो मुझे लगता है कि, और शायद वो स्वर्णिम काल भी था शिवराज सिंह चौहान जी और महामंत्री संगठन के रूप में कप्तान सिंह जी, इससे बेहतर युति मैंने कभी संगठन के कार्यकाल की तो नहीं देखी है। बहुत बेहतर लाइन पे हम लोगों का संगठन उस समय भी चला था। तो मुझे लगता है कि कुछ अब ठाकरे जी के साथ उनको रहने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मिला, बैरला जी के साथ वो लंबा समय रहे जिसका जिक्र मनोज जी भी कर रहे थे, रघुवरक चुनाव का जिक्र किया, तो उन्होंने हर धूप छाव को संगठन की न केवल जिया है बल्कि उसमें से भारतीय जनता पार्टी को सफलता से बाहर निकालने का भी काम किया है। और सरकार में तो लंबा अनुभव हो ही गया है, तो ये जितनी चुनौतियां आप बता रहे हैं, चाहे वो सरकार में भागीदारी को लेकर हो और या संगठन में दावेदारी को लेकर हो, वो बखूबी इन सब बातों को समझते हैं और उनका समाधान भी बहुत शांति से, धैर्य से और अगले दिन सुबह की खबर के रूप में वो आपके सामने रखते हैं। जी जी, डॉक्टर वाजपेयी, आपने सीनियर लीडर्स का जिक्र किया है, आपने कहा कि इज वन ऑफ मोस्ट सीनियर लीडर्स इन बीजेपी नाउ। एक सवाल यहाँ सहज रूप से उठता है क्योंकि आपके काफ़ी पुराने अनुभव हैं, शिवराज सिंह चौहान पर आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सर्वाधिक किसकी छाप देखते हैं? देखिए, मैंने जो देखा है कि पुराने लोगों की छाप उनमें सबसे ज्यादा है। यदि मैं कहूँ कि चाहे वो ठाकरे जी हों, जोशी जी हों, प्यारलाल खंडेलवाल जी हों, क्योंकि देखिए छाप उस व्यक्ति की होती है जिससे उस व्यक्ति ने सीखा हो। तो मैं समझ, जब अपने यौवन पर रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी, तब इन लोगों के साथ उनका रहना, लक्ष्मीराम अग्रवाल जी रहे हैं और जितने भी वरिष्ठ नेता, अब शायद बहुत लोग नहीं है उनमें से, इवन सुंदरलाल पटवा जी हैं, कैलाश जोशी जी का जिक्र मैंने किया ही, कैलाश सारंग जी का उनके सानिध्य उनको रहा है। तो ये वो पीढ़ी है जिनके बीच रह के वो ग्रूम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सभी की छाप ज्यादातर उनके व्यक्तित्व में मिलती है। और वो दौर ऐसा था मनोज जी, प्रभु जी, कि उस दौर में हमारे पास सत्ता उतनी नहीं होती थी जी। तो हमारे पास जो कुछ भी सत्ता की भागीदारी होती थी, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में, या नगरीय निकाय में कहीं पर हम सत्ता में भी रहे हों, तो हमें उसमें ही अपने सत्ता सुख को भी ढूंढना होता था। तो कम संसाधनों में सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना राजनीतिक रूप से और सांगठनिक रूप से, इसकी उनकी उस दौर से आदत है। और आज तो साहब ईश्वर का आशीर्वाद है कि चारों तरफ हम ही हम हैं, तो उन्होंने तो बहुत कम में संगठन को चलाया है, चलाना सीखा है। और आज तो संगठन का वो दौर है जहाँ कार्यकर्ता भी प्रचुर मात्रा में है, सत्ता भी प्रचुर मात्रा में है और संगठन भी अपने चरम पर है। डॉक्टर साहब, आप जैसे कर्मठ लोग जिनने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 15 साल चली उसके लिए योगदान दिया, अभी जो उपचुनाव में सरकार जीत बनी, फिर से चुनाव जीतकर उसमें आपने योगदान दिया, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर है कि सिंधिया जी के साथ 76,000 लोग आए, वो सब पद मांग रहे हैं, चाहे संगठन की बात हो, चाहे सरकार की बात हो या निगम मंडलों की बात हो, तो ऐसे में आप लोगों का हक मारा जाएगा तो क्या आप लोग संतुष्ट होकर बैठेंगे या अंतर विरोध, घर के अंदर से कोई विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात उठना चाहिए। 76,000 आप बोल रहे हैं, मैं तो उनकी जो मौलिक संख्या उन्होंने 1.5 लाख कही थी, मैं उसको भी मान लेता हूँ। तो और यदि आपकी भावना समाहित करने की है, यानी कि हम लोगों की कह रहे हैं हम, और उनकी भी काम करने की है, तो आप मान के चलो समय नहीं लगता प्रभु जी,
यदि आप पंचायत स्तर से लेके आप शीर्ष राष्ट्रीय स्तर तक आज हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी स्तरों पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। भागीदारी की जहां तक बात है, लोभ लिप्सा लालच का तो पार्टी के लोगों का नहीं हो पाता, वो तो निजी समस्या ज्यादा होती है। त्याग तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा ना। नहीं, हम लोग तो साहब अब गुजर गए साहब, अब तो काम मिलता रहे, पार्टी का झंडा परचम पे लहराता रहे और आप लोगों का स्नेहाशीष इसी प्रकार मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा है जी। और हम लोग बहुत खुश है जी। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी को हमने सुना। प्रभु जी, एक आखिरी सवाल समय की थोड़ी बात देता है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान के लिए जैसे कि संकेत अब ढूंढे जा रहे हैं, डॉक्टर वाजपेयी ने भी कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार हो चुके हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी वगैरह वगैरह जिक्र किए। यदि शिवराज सिंह चौहान अगली बारी में केंद्रीय राजनीति की तरफ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या उनके जैसे कद वाला कोई विकल्प आपको उनका नज़र आता है, शिवराज सिंह चौहान का? देखिए रत्नाकर जी, शिवराज सिंह चौहान की जहाँ तक बात है, तो कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका आशय यह है कि वो अभी तो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते हैं, और केंद्र में भी यदि वो जाते हैं तो लंबे समय तक का उनका संसदीय जीवन रहा है। वो केंद्र में सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री बनने की भूमिका तक तो जाना वो पसंद नहीं करेंगे। इससे आगे भी हो सकता है, वो संगठन के बड़े नेता हैं, संगठन की उनकी बड़ी समझ है। जब उनको अभी पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया, तो आप देखिए पूरे देश भर में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, तो या तो पार्टी के शीर्ष पद पर जाना पसंद करेंगे, या नरेंद्र मोदी जी जो उनको आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, उनकी पसंद से ही शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं कि अभी फिर से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। तमाम चौथी बार की जो रणनीति थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन यदि शिवराज सिंह पर किसी का हाथ है कि इन्हीं को फिर से जिम्मेदारी दी जाए, भरोसा जताया तो नरेंद्र मोदी, तो या नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने की यदि अवसर आता है तो वो जाना पसंद करेंगे। यदि इसके इतर कोई अवसर आता है तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र मध्य प्रदेश है। वो जो बेहतर काम रत्नाकर जी यहाँ कर सकते हैं वो शायद किसी और मंत्रालय में जाकर नहीं कर सकते। आप दो तीन उदाहरण हैं इसके कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ नाबालिगों से बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया, आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने उसको लागू किया। लव जिहाद का कानून मध्य प्रदेश लेकर आ रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से कई राज्य उस कानून को लागू करने की दिशा में बढ़ रहे। तो इस तरीके के नवाचार जो जहाँ दे रहा है राज्य, तो ना नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि उनको यहाँ से हटाकर किसी एक मंत्रालय तक सीमित किया जाए, ना खुद शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे, ना उनकी पार्टी के तमाम नेता चाहेंगे। तो चूंकि ये एक छत्रप की तरह जो यहाँ पे एक कद बढ़ा रहे हैं पार्टी का, तो जो यहाँ वो काम हो रहा है उसको पूरे देश में अपनाया जा रहा है, तो उस इनोवेशन को वो बरकरार रखना चाहेंगे। जी जी, निश्चित रूप से उस इनोवेशन को बरकरार रखना चाहेंगे। इनोवेटिव एक पर्सनालिटी शिवराज सिंह चौहान की अपने आप में, और उसके साथ में कैरिज्मेटिक फिगर भी जुड़ जाता है, और साथ ही साथ में एक बहुत ही कर्मशील व्यक्ति का भी उनके साथ में वो जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वो सफलता के नित नए सोपान अर्जित करते चले जा रहे हैं। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।